लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को अपराधी बना रहे हैं अपने गैंग का सदस्य। गिरफ्तार अपराधी ने किया खुलासा। कोरोना काल के दौरान अन्य प्रदेशों में रोजगार करने वाले बड़ी संख्या में युवा रोजगार ठप होने या अन्य कारणों से घर वापस लौटकर आए और अब कटिहार से इससे जुड़ा एक ऐसा खबर सामने आया है जिससे यह साबित हो रहा है कि ऐसे युवाओं को पेशेवर अपराधी लालच देकर अपराध जगत से जोड़ रहे हैं। जिले के डंडखोरा थाना क्षेत्र में डकैत का नाम एक युवक की गिरफ्तारी के बाद यह सात बात सामने आई कि जिले के बड़े अपराधी इसके लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। वहीं पुलिस अब तक इस अपराधी को गिरफ्तार नहीं, कबूलनामा के बाद अब अपराध जगत में आकाओं पर भी कार्रवाई की बात कर रही है। दरअसल जिले की डंडखोरा थाना क्षेत्र के मोहिनी हनुमान मंदिर के पास एक मोटरसाइकिल लूट के घटना को अंजाम देने के फिराक में पुलिस ने दो जिंदा कारतूस के साथ मोहम्मद अब्दुल उर्फ डकैत नामक अपराधी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वह जानकर पुलिस भी चकित रह गई। गिरफ्तार डकैत ने बताया कि हाल ही दिनों में वो कोरोना काल के दौरान काम ठप होने के बाद घर लौट कर आया। उस बीच कटिहार अपराध जगत के एक बड़े नाम सलीम डॉन ने उनसे संपर्क किया और किसी बड़े घटना को अंजाम दिलाने के लिए उसका ट्रेनिंग करवाया। ट्रेनिंग में यह बताया जा रहा था अगर घटना को अंजाम देते वक्त या अंजाम देने के बाद पुलिस घड़े घेर ले तो कैसे बचा जाए, लेकिन इसी दौरान वह पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद अब्दुल उर्फ डकैत ने कहा कि वह साधारण मजदूरी कर घर चलाता था और डकैत के नाम से उसके दोस्तों के द्वारा किया गया। मजदूरों से अपराधी बने डकैत पर अपने करतूत पर अफसोस जता रहा है। कटिहार डीएसपी ने कहा कि डकैत के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया हुआ, लेकिन इसका बयान काफी चौंकाने वाला है और पुलिस इससे सजगता से लिया है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में मजदूर घर लौट कर आए हैं, ऐसे में जिला के बड़े अपराधियों द्वारा इन लोगों को इस्तेमाल करना है निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि कटिहार पुलिस इसे लेकर सजग है। ऐसे अपराध के आंकड़ों पर नकेल कसने के लिए कटिहार पुलिस खास रणनीति बनाई। हाँ, हमारे यहाँ एक अपराधी पकड़ा गया है जो जिस एक पिस्तौल और दो गोली के साथ पकड़ाया है और यह मुफस्सिल थाना के लूटकांड में वांछित भी था और इसने पुलिस से समक्ष अपना ये बात घटना स्वीकार किया और बताया है जो कटिहार नगर का सलीम डॉन जो कुख्यात अपराधकर्मी है वहीं कुछ लड़के को नशे खिला करके और उसे अपराध कराता है और कहीं कहीं ले जा करके पुलिस से कैसे बचना है क्या बचना है इस तरह का ट्रेनिंग भी देता है। तो कुछ दिन पूर्व ही जो सलीम डॉन है संबंध में हम लोग को सूचना मिली थी, ये बहुत बड़ा अपराध कराने की योजना थी और जिसमें पुलिस काफ़ी एक्टिव हुआ, अभी वो भागा हुआ है। तो इस तरह का वो अपराधी है जो स्वयं चाहता है कि पुलिस के सामने रहे और अपराधियों से वो छोटे मोटे अपराधियों को प्रशिक्षण देकर अपराध कराता है। तो उस संबंध में हम लोग को जानकारी है, हम लोग इस संबंध में उसके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, लॉकडाउन के कारण काफ़ी संख्या में जो युवा बाहर काम करते हैं वो घर आए, इस तरह का ट्रेनिंग चल रही है, पुलिस के लिए कितना बड़ा चुनौती है? पुलिस के लिए यह जो अभी कोरोना स्थिति हुई है उसमें चूंकि आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ा है तो जो आदमी बैठा है इस तरह की कर रहा है, लेकिन हम पुलिस काफ़ी सक्रिय है, कोई भी अपराध होता है तो हम लोग उसको डिटेक्शन करते हैं और प्रिवेंशन के तहत भी हम लोग वाहन चेकिंग या बैंक चेकिंग हर जगह बिंदु पर हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी कांड होगा उसका उद्भेदन भी करेंगे और हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी करते हैं जो अपराध नहीं। कहां से अपराधी पकड़ा गया है? क्या अभी अपराधी जो है डंडखोरा थाना से मोहनी से पकड़ा गया है जहां चेकिंग लगाया था और गुप्त सूचना मिली थी, वहीं अपराधी के पास जो महमूद जो जिसका नाम डकैत है उसके पास से कट्टा और दो गोली भी बरामद हुआ और मुफस्सिल थाना के मोटरसाइकिल लूट कांड में पहले से वांछित भी था।